परमात्मा के लिए श्रृंगार शोभा देता है। क्यों? अजय है वो, भगवान के प्रति जो श्रृंगार है वो अजय है, उसमें कभी खंडन नहीं आता। दुनिया मरो दुनिया जियो, पर भगवान के तिलक का कभी खंडन होता नहीं, अजय श्रृंगार है उसका। इसीलिए भगवान शिव जी आज ताजा भस्म लगा के आए, और आज भगवान ने बाल खोल लिए अपने श्रृंगार में, जो जूड़ा बनाते थे रोज शिव जी बांध के रखते थे पोटली, आज खोल लिया केशों। इसीलिए दुनिया में कोई भी व्रत आते हैं तो महिलाएं जिस दिन व्रत करती हैं उस दिन चोटी नहीं करती हैं, ये भक्ति में इसका महत्व है, केशों का, बालों का। क्योंकि ये इंद्रिय है, 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रियों में हाथ लिंग गुदा पैर और बाल, ये कर्म इंद्रियों में आते हैं। इसलिए हमारे जो केस है ये बहुत महत्व रखते भक्ति में। इसलिए हमारे ऋषि मुनि योगी लोग जो है बाल जटाएं रखते हैं, सारे बाल अंग के बाल बढ़ते रहते हैं उनके। इंद्रियों का महत्व है, सजाना है उनको। तो बालों को सजाने का मतलब डाई लगाना नहीं है, बालों को सजाने का मतलब है लंबे करना। जितने लंबे बाल महिला के हो जाते हैं, महिला उतनी ही सुलक्षणी होती चली जाती है। और महिला के बाल गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देवी दुर्गा काली भैरवी वैष्णवी किसी भी माता के पास चले जाओ, सबके बाल लहरा रहे लंबे लंबे, श्रृंगार है ये आपका। किसी के नेचुरल बाल कम हो जाए, झड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो ठीक है, पर स्त्री को कभी बालों पे कैची नहीं लगवानी चाहिए। स्त्री को नहीं चाहिए, साधक को नहीं चाहिए। साधक महिला तो साधक ही है, बच्चे को साधे, गर्भ को साधे, पति को साधे, ससुर को साधे, घर को साधे, लाज को साधे, हया को साधे, पल्लू को साधे। इतनी साधना महिला की तो उसकी है, जो महाभ्रष्ट औरत है वो भी साधक ही है। जो बनावटी महिला रहती है ना, बनावटी माने निकम्बी टाइप की, वो भी ऐसे ऐसे करती रहती है, यानी पल्लू वो भी साधती है। यानी इसलिए महिला को साधक ही माना गया है। इसीलिए शंकर भगवान ने आज महिला का रूप धारण किया, क्योंकि साधना पक्की हो जाएगी। स्त्री स्वरूप में साधना कभी फेल नहीं होती है। मैं पुरुषों से कह रहा हूं, ये स्त्री तो जो है वो है, मैं पुरुषों से कह रहा हूं ये, इसीलिए मुझे कोई परहेज नहीं है चुनरी ओढ़ने में। मुझे चुनरी ओढ़ के मुझे श्रृंगार हो जाता, मैं सुंदर लगता हूं चुनरी ओढ़ के, सज जाती है चुनरी, तो मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे आनंद आता कोई उड़ाए तो। क्योंकि उतनी लायकी होना चाहिए कि कोई कम से कम चुनरी उड़ाए। चुनरी तो दुर्गा माँ की है, हमारी नहीं है वो, राधे जी की है वो। राधा की चुनरी हमारे सिर पे आ जाए, इससे बड़ा भाग्य हमें क्या होना। हम तो केवल मंदिर के ठाकुर जी के कपड़े के लिए तरसते, गुरु के वस्त्र के लिए, और भगवती का रूप हमारे को मिल जाए, उनका वस्त्र हमारे ऊपर आ जाए, तो फिर क्या भाग्य अपना है, या धन क्या, वैभव क्या। भक्त जो सजाते हैं उसकी महिमा कोई गा नहीं सकता, ये अद्भुत महिमा रहती है भक्तों की। क्योंकि भगवान को भक्तों ने ही सजाया, भगवान खुद कभी नहीं सजे, आज तक भगवान ने कभी सजावट नहीं की है। पंडित पुजारी ही श्रृंगार करते हैं मंदिरों में, कहीं भी चले जाओ।